जानेंगे इस एरिया के बारे में और साथ ही में इस एरिया के सभी प्रॉपर्टीज आप अपनी बाय इंडिया प्रॉपर्टी एप्लीकेशन में देख सकते हैं। इसके बारे में वीडियो के आखिरी 30 सेकंड में बताया गया है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। गाजियाबाद के सिद्धार्थ विहार लोकेशन का व्यू आज के टाइम में कुछ ऐसा दिखता है। एरिया 14 लेन एक्सप्रेसवे से नोएडा और वहीं पे दिल्ली से काफी अच्छी तरीके से कनेक्टेड है और साथ ही में एक छोटा सा एरिया है जो कि चारों तरफ से पूरी तरह से डेवलप्ड है। यहीं पे मेट्रो लाइन भी बिल्कुल नजदीक में ही है, ब्लू लाइन और रेड लाइन। एरिया में काफी सारे प्रोजेक्ट्स ऑलरेडी रेडी टू मूव इन हो गए हैं और काफी सारे न्यू प्रोजेक्ट्स का कंस्ट्रक्शन भी तेजी से चल रहा है और इंटरनली एरिया देखने में कुछ ऐसा दिखता है। और वहीं पे प्रोजेक्ट के सेंटर में 40 एकड़ का पार्क एरिया आहिस्ता आहिस्ता डेवलप किया जा रहा है, जिसके बाद में इस एरिया का लुक काफी अच्छा हो जाएगा। ओवरऑल ये एरिया इन्वेस्टमेंट के लिए और वहीं पे एक एंड यूज के लिए नोएडा और दिल्ली के बेहद ही नजदीक है और प्रॉपर्टी के मल्टीपल ऑप्शंस होने की वजह से इसे लेने के लिए एक अच्छा ऑप्शन माना जा सकता है। किसी भी अपार्टमेंट प्रोजेक्ट को देखने के लिए अपार्टमेंट्स पे क्लिक करके क्लिक करने के बाद में जिस एरिया की प्रॉपर्टी देखना चाहते हैं नोएडा ग्रेटर नोएडा गाजियाबाद यमुना एक्सप्रेसवे उनको सिलेक्ट करके साथ ही में पाएंगे प्रॉपर्टी के टॉप 10 रेकमेंडेड प्रोजेक्ट्स के लिए टॉप 10 और वहीं पे न्यू लॉन्चेस के लिए न्यू लॉन्चेस पे क्लिक करके पूरे प्रोजेक्ट की लिस्ट मिल जाएगी। किसी भी प्रॉपर्टी का वीडियो देखने के लिए वीडियो आइकॉन पे क्लिक करने के बाद में उस प्रोजेक्ट के सारे वीडियोस दिख जाते हैं। लेआउट और ऑफिस पे क्लिक करने पे प्रोजेक्ट के लेआउट्स, प्राइस लिस्ट और वहीं पे ऑफिस दिख जाते हैं। प्रोजेक्ट के बिल्डर से बात करने के लिए कॉन्टैक्ट बटन पे क्लिक करके कृपया पहले चैट पे क्लिक कीजिएगा और हाई हेलो मैसेज छोड़िएगा और 30 सेकंड तक रुके रहिएगा जब तक बिल्डर रिस्पॉन्ड करे। उसके बाद आप चाहें तो चैट पे ही कंटिन्यू कर सकते हैं, अन्यथा कॉल भी कर सकते हैं।